बोलो कैसी लग रही दिवाली? दिवाली आप रस ले रहे हैं? मार्केट क्या बोलते हैं? मार्केट आइए ठोका से 16 नवंबर 12 6 लाख ना टीवी ली था से क्रिकेट न्यूज़ टीम तो तू बाय शेयर्स टीम में पड़े छो આપણે ધંધો મહિને 2.5% રિટર્ન ઉપર ચલાવીએ છીએ, આપણે ટીવીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ કઈ રીતે ચાલે? 2.5% પર આવે છે સાહેબ, અમારા પૈસા એબેન્ડોમાં નાખે છે, પોતે ટીવીમાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરે સાહેબ. એ તો લાંબા ટકવા ऑनलाइन में आवाज आ रही है मेरी? ओके बाय. वी आर स्टार्टिंग रीडिंग नंबर 50. चल वरुण, ऑल द बेस्ट. चल भाई. बाय बिंदास. बिंदास बाय. हाँ नवंबर में है ना? वरुण कई तारीख से? 15 नवंबर. दिवाली छे? 12. फोट डालो. रीडिंग नंबर 50. फिक्स इनकम कैश फ्लोज एंड टाइप्स. मेरे को पता है जैसे ही मैं उधर जाऊंगा कोई घुसेगा. दसू शरद पूनम ना गरबा करवा गया है बता? 1 2 3 4 5 6 मतलब आज सब नहीं होता है वो. हम लोगों ने मुड़त नहीं होता है. जब भी महीने बाद आया 15 दिन बाद आया एग्जाम दिया. एग्जाम की बात नहीं कर पा रहा हूं. मैं जाएगा कल को दिवस काले पेपर है मार तो है. बहुत नींद आती है. नींद उड़ानी है तो एक फ्यूचर ले ले कोई भी. तेरी नहीं मम्मी पापा सबकी नींद उड़ जाएगी. चुकरो आउटलाइन नो देगी हो. कोई नहीं सोएगा. चलो बैंक ऑफ बड़ौदा सारो जो हूँ क्या रहा भी एक स्टेयर ने મારા માટે બેંક ઓફ બરોડા ઇઝ ઓલવેઝ આઈ કમ્પેર ઇટ વિથ કેનેરા બેંક. એટલે કમ્પેરિંગ ઇટ વિથ કેનેરા બેંક એનું રિટર્ન જે છે એ જેટલું હોવું જોઈએ એટલું નથી. એટલે બેંક ઓફ બરોડા મને સારું લાગે છે. કેમ કે
पर वो तो छोटे छोटे होंगे ना, ऐसे तो एक्सिस बैंक में हर साल में 4-5 कांड होते रहते हैं। बड़े लेवल पे किया वैसे, एक नंबर से 100 अकाउंट लिंक कर लिए, सबको लूट रहे, बैंक वाले अंदर हुई सैलरी कम मिलती थी। चलो चलो अब पढ़ाने दो वरना मैं ओके फिक्स इनकम कैश फ्लोज एंड टाइप्स। अ टिपिकल बॉन्ड हैज अ बुलेट स्ट्रक्चर वेयर प्रिंसिपल इज पेड बैक इन सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी। रीडिंग 50। पीरियोडिक पेमेंट अक्रॉस द लाइफ ऑफ द बॉन्ड आर प्योरली इंटरेस्ट पेमेंट्स। 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा और 10वें साल पे प्रिंसिपल वापस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के कैश फ्लो होंगे। $5,000 का बॉन्ड है, 5% का रेट है, तो तुमने क्या किया, 50 50 50 50 50 चार साल दिए और 5वें साल 1050 दे दिए, बराबर। और तुम्हारी लायबिलिटी कितनी बची, 1000 1000 1000 1000, और 5वें साल लायबिलिटी कितनी हो गई, 0। फिर फुल्ली अमोर्टाइजिंग, तो उसको होम लोन के जैसे गिनने का, कि 5% का बॉन्ड है, 1000 का है, राइट। तो मैंने क्या किया, पीवी में डाल दिया 1000, बराबर, और पीएमटी सॉल्व कर दिया, एफवी में डाल दिया 0, राइट, पीएमटी में डाल दिया पीएमटी क्वेश्चन मार्क, और सॉरी एक सेकेंड रुको, पीएमटी मेरे को सॉल्व करना है, 1000 रुपए है मुझे 5 साल के बाद देने हैं और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो मैंने पीवी में 1000 डाला, आईवाई में 5% डाल दिया, इंटरेस्ट में 5%, नंबर ऑफ इयर्स 5 है मेरे, और पीएमटी सॉल्व कर दिया एफवी 0 डाल के, तो मुझे एक अमाउंट देने का आया 230.9। तो मैं 5 साल तक 230 230 230 230 दूंगा, राइट। तो इफेक्टिवली आज जिसने $1000 इन्वेस्ट किया है उसको 5% का रिटर्न छूट जाएगा, राइट। ये फुल्ली अमोर्टाइजिंग हुआ। फिर पार्शियली अमोर्टाइजिंग में क्या है, बॉन्ड कैन बी स्ट्रक्चर्ड टू बी पार्शियली अमोर्टाइजिंग सो दैट देर इज अ रीपेमेंट ऑफ सम मैच्योरिटी, सम प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। अनलाइक अ बुलेट स्ट्रक्चर द फाइनल पेमेंट इंक्लूड्स जस्ट द रिमेनिंग अनअमोर्टाइज्ड प्रिंसिपल अमाउंट रादर देन फुल प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि भाई तुम्हें 5वें साल 200 रुपए का प्रिंसिपल दूंगा, राइट, और 5 साल तक तुम्हें अमोर्टाइज अमाउंट दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे पीवी में 1000 डाल दिया, राइट, एफवी में जो 5वें साल देने वाला हूं वो -200 डाल दिया, राइट, और पीएमटी सॉल्व कर दिया आईवाई में 5 डाल के और एन में 5 डाल के, समझे। तो ये पार्शियली अमोर्टाइजिंग हुआ, गॉट इट ना। इसका कैलकुलेशन आ सकता है कोई गधे ने पूछ लिया तो ये सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ऐसा बोले कि 300 लास्ट में दूंगा और बाकी अमोर्टाइज करके दूंगा, तो एफ में -300, पीवी में 1000 और पीएमटी सॉल्व कर दो, पहले 4 साल तक वो पीएमटी दे देगी और 5वें साल वो पीएमटी +300। क्योंकि 200 इज द फाइनल पेमेंट दैट आई विल मेक आफ्टर 5 years, एटला माटे। એટલે કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારે તો એને 1000 આજે મળી ગયા, એટલે પીવીમાં +1000, અને 5 વર્ષ પછી એને 200 આપવાના છે, એટલે એફવી -200, અને 5 વર્ષ સુધી જે આપવાનું છે દેટ ઇઝ પીએમટી, સમજો ને, કેશ ફ્લો આઇટમ્સમાં। એટલે હવે આ સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું છે કંપનીએ, रीडिंग नंबर 50 50। बुक आ गई आपके पास, रीडिंग नंबर 50, राइट। उसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मल बॉन्ड कैसे कैसे पैसे देते हैं वो हमने देखा,
अभी हम सिंकिंग फंड प्रोविजन और वॉटरफॉल स्ट्रक्चर पे है। पहला पेज लगभग खत्म हो गया। अदर टाइप्स ऑफ अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इंक्लूड सिंकिंग फंड प्रोविजंस फॉर बॉन्ड्स एंड वॉटरफॉल स्ट्रक्चर्स फॉर एसेट बैक सिक्योरिटीज एंड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। सिंकिंग फंड प्रोविजन प्रोवाइड फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल थ्रू अ सीरीज ऑफ पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड इश्यू। फॉर एग्जाम्पल अ 20-year इश्यू विथ फेस अमाउंट ऑफ 300 million may require that the bond trustee redeems $20 million of the principal from investor selected at random each year beginning in the 6th year। samjhe to sinking fund structure mein kya hota hai ki main 5 saal tak to pura 300 million pe vyaj dunga, fir 6th saal se 20th saal tak har saal main 20 million principal repay karte jaunga, right? to 6th saal mujhe interest 280 pe dene ka aayega, फिर 260 पे देने का आएगा। इस तरह से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट छोटा होता जाएगा। लोचो शंकरलाल, दो मिनट तेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सर तो पेमेंट आफ्टर 50 इयर्स जो स्टार्ट होता ना, ना ना ना, फॉर फर्स्ट 5 years यू विल गिव द इंटरेस्ट ना। मेन प्रिंसिपल जैसे यस, इसको पीछे लेके मेरे को एडजस्ट कर दो, थोड़ा सा पीछे जाओ ना, थोड़ा थोड़ा। दो मिनट है, वी रीस्टार्ट इन 2 minutes ऑनलाइन। बस एक घंटे लगते हैं एडजस्ट करने में। ये पैर को थोड़ा साइड में, आपको किसी एक बात नहीं, पहले साइड में लेके पीछे लो, अबे वो भला ही ना करता, पीछे लो और चलो इस तरफ आगे खींचो। पीछे से बराबर करो, कई बार नहीं देख रहा है। चलो अभी जी धीरे धीरे आने दो, पूरा हिल रहा है। ओके, बस आ थोड़ूक बराबर छे, जोई लो ना कोई ये चेक कर लो ना, ढीला तो नहीं हो गया है ना, लूज तो नहीं हो गया। थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा चलेगा, चलेगा वैसे तो। ओके, सिंकिंग फंड प्रोविजंस ऑफर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू बॉन्ड होल्डर्स। ऑन द प्लस साइड, बॉन्ड्स विद सिंकिंग फंड प्रोविजंस हैव लेस क्रेडिट रिस्क बिकॉज द पीरियोडिक रिडेम्पशंस रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल टू बी रीपेड एट मैच्योरिटी। क्योंकि हर साल मैं 20-20 मिलियन रीपे करते जा रहा हूं, तो मैच्योरिटी पे जो एक साथ झटका आएगा वो नहीं आएगा, आने वाला होगा वो, राइट। द प्रेजेंस ऑफ सिंकिंग फंड हाउएवर कैन बी डिसएडवांटेज टू बॉन्ड होल्डर्स व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट रिस्क विच इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग कैश फ्लोज अर्ली एंड ओनली बींग एबल टू री इन्वेस्ट देम एट लोअर यील्ड्स। समझे, इंटरेस्ट रेट नीचे जाते जा रहे और तुम मुझे बीच में पैसा देते जा रहे हो। मैं ये सोच के आया था कि तुम मुझे 12% 15 साल 20 साल तक दोगे, लेकिन तुम तो 6th साल से हर साल मेरे को थोड़ा थोड़ा रीपे कर रहे हो, और अब मार्केट में 12% रेट भी नहीं रहा है, तो मैं जो री इन्वेस्ट कर पाऊंगा वो रेट कम हो जाएगा, राइट। वॉटरफॉल स्ट्रक्चर्स आर यूज टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल पेमेंट टू होल्डर्स ऑफ ABS एंड MBS। दी स्ट्रक्चर प्रोवाइड प्रोडक्ट्स कैन बी स्प्लिट इनटू ट्रेंचेस ऑफ वेरिंग सीनियोरिटी। अ कॉमन वॉटरफॉल स्ट्रक्चर इज फॉर जूनियर ट्रेंचेस नॉट टू रिसीव एनी प्रिंसिपल पेमेंट फ्रॉम द कोलैटरल पूल अंटिल ऑल सीनियर ट्रेंचेस हैव बीन फुल्ली रीपेड। इंटरेस्ट पेमेंट्स वुड स्टिल बी मेड
टू ऑल द ट्रेंचेस राइट. सो बेसिकली क्या है कि जब तक मैंने क्या किया, मेरा जो MBS है उसको दो ट्रेंचे में डिवाइड किया, एक सीनियर वाला और दूसरा जूनियर वाला. सीनियर वाला मतलब जो ज्यादा सिक्योर्ड है. तो जब तक सीनियर पूरा का पूरा रीपे नहीं हो जाता तब तक जूनियर वाले का रीपेमेंट स्टार्ट नहीं होगा राइट. इस तरह का मैंने कंडीशन डाल दिया राइट. इंटरेस्ट तो दोनों को मिलेगा लेकिन रीपेमेंट में पहले सीनियर को जीरो करना है फिर जूनियर की बारी आएगी. देर आर सेवरल कूपन स्ट्रक्चर्स बिसाइड्स अ फिक्स कूपन स्ट्रक्चर. वी समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हियर. कहाँ गया? वेरिएबल इंटरेस्ट डेट, ये रहा ना VID. सम बॉन्ड्स पे पीरियोडिक इंटरेस्ट दैट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द फ्यूचर कूपन पेमेंट्स आर सॉरी प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम फ्यूचर कूपन पेमेंट्स आर मेड. दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रेट नोट्स और फ्लोटर्स. द वेरिएबल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड MRR मार्केट रेफरेंस रेट एंड FRN promises to pay MRR plus some fixed margin which is credit spread. This added margin is typically expressed in basis points, right? 0.01% मतलब 1 basis point, 0.20% मतलब 20 basis points, right? 2% मतलब 200 basis points, right? Most floaters pay quarterly coupons and are based on quarterly reference rate. As an example, consider a FRN that pays quarterly interest of MRR plus 75 basis points. If the annualized MRR in quarter is 2.3%, then 2.3 plus 0.75 divided by 4, the quarterly 0.76 25% milega. Samjhe? Abhi America mein rates bade, baki to America mein to rates aise hi the na. राइट अभी तो क्या है कि अभी वहां पे रेट ट्रेजरी यील्ड वो वहां पे 4.85 हो गया, 5% के आसपास हो गया. वहां के हाउसिंग लोन्स जो है वो अभी अपने लोन के आसपास, अपने लोन 9% के वहां पे 7-7.5% पे पहुंच गए राइट. तो उनको तो ऐसा झटका लगा है अमेरिका और कनाडा वालों को, मतलब बैंड बज गई है. पर ये जो पैसा छापा है वो कहीं ना कहीं तो बैंड बजाएगा. इतना सारा पैसा एक साथ मार्केट से निकल भी नहीं सकता, जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो ऐसी बैंड बजाता रहेगा लोगों की. क्रिप्टो में तो अभी 2-3 दिन पहले बहुत चले सब क्रिप्टो, ऐसा न्यूज चल रहा था कि क्रिप्टो का ETF आ रहा है. तो दे दे सारे के सारे क्रिप्टोज लूले लंगड़े सब भागे के ये भी ETF में घुस जाएगा. पापड़ता जैसे क्राइम के लिए तो बहुत सही है पेमेंट मेथडोलॉजी क्रिप्टो. ओके, अदर कूपन स्ट्रक्चर्स. स्टेप अप कूपन बॉन्ड्स आर स्ट्रक्चर्ड सो दैट द कूपन रेट इंक्रीज ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल providing protection to investors against interest rate rising over the life of the bond, right? Step up मतलब coupon bond increase हो रहे हैं. अभी 6% पे चालू किया, फिर अगले साल 6.5% मिलेगा, उसके अगले साल 7% मिलेगा, ऐसा राइट. क्योंकि एप बैंक में अगर पैसे रखने जाओ तो एक साल का जो रेट होता है 2 साल का रेट उससे ज्यादा ही होता है ना, 3 साल का रेट उससे भी ज्यादा होगा. तो यहाँ पे बॉन्ड भी तुम्हें वो ऑफर कर रहा है राइट. कूपन चेंजेस कैन बी ऑल्सो लिंक टू future potential events. For example, loans to borrowers of lower credit quality called leverage loans often have coupon that increase if the credit quality of the issuer decrease further, right? So agar maine jab bond issue kiya tab mera rating AAA tha to main 6% ka bond issue kiya, ab agle saal mera rating AA ho gaya to mujhe 8% dena padega. Kyun? Kyunki mera rating kharab hua to mera risk badh gaya to mujhe rate badha ke dena padega, right? For example, the term sheet of leveraged loan might specify that the coupon to be paid is MRR plus 2.5%. However, the issuer's debt to EBITDA rise above 3, then the coupon will be
कूपन पेड विल इंक्रीज टू MRR प्लस 3%, मतलब मेरी फाइनेंशियल्स खराब हुई तो मेरा कूपन जो है वो बढ़ जाएगा। तो रेटिंग पे नहीं, मेरे फाइनेंशियल्स पे बात आ गई कि डेट टू इबिटडा अगर मेरा 3 से कम है तो MRR प्लस 2.5, और 3 से बढ़ गया तो MRR प्लस 3 दूंगा मैं, राइट। पेमेंट इन काइंड बॉन्ड्स, बोलो पेमेंट इन काइंड क्या देते होंगे। अलाउज द इश्यूअर टू मेक कूपन पेमेंट बाय इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स एसेंशियली पेइंग बॉन्ड इंटरेस्ट विद मोर बॉन्ड्स। इंटरेस्ट नहीं देने का, बॉन्ड्स देने के, और राइट तुमने लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो लाख रुपए का 10% तुम्हें लेने का है तो 10,000 का इंटरेस्ट हुआ, बराबर। तो 1,000 रुपए का बॉन्ड है तो अगले साल मैंने तुम्हें और 10 बॉन्ड दे दिए, तो लाख रुपए के तो बॉन्ड थे, अब तुम्हारे पास और 10,000 के और बॉन्ड्स आ गए, तो हाँ तो मतलब अब ये भी एक्यूमुलेट हो रहा है। बस बनाओ बनाओ जितना बन सके उतना बनाओ। आवा आवा मूर्खा अपन ने क्या नहीं पड़ता, मुझे भी ऐसे लोग चाहिए, पैसे देते जाए देते जाए देते जाए, राइट। फॉर्म्स ऐसे मतलब ढूंढने जाओ तो मिल भी जाते हैं, मतलब हम शिद्दत से मेहनत नहीं करते हैं। बाकी ये दुनिया में तुम्हें जो भी करना है, जितना भी लोगों को बनाना है, राइट, तुम ढूंढ के बना सकते हो लोगों को, राइट। वो तेलगी साला स्टैम्प पेपर छापता था, राइट, और लोग लेते थे, राइट। कितने सारे ये सहारा वाले ने तो गांव गांव में एजेंट्स बिठाए थे। तुमने सहारा का कांड देखा है नेटफ्लिक्स में, उसकी वो है बैड बॉयज मिलियनेयर, मतलब गांव गांव के जो सबसे मतलब पढ़े लिखे हो ना तो चलो चलो तुम सहारा के डिस्ट्रीब्यूटर बना देता हो, और वो फिर पूरे मतलब गांव में मार्केटिंग करेगी, ये करेगी वो करेगी, सबके पैसे वो बंगाली बाबू के पास जेब में। जबरदस्त गेम थी। चलो फर्म्स दैट इश्यू पिक बॉन्ड्स टिपिकली डू सो बिकॉज दे एंटिसिपेट दैट फर्म कैश फ्लोज मे बी लेस देन द रिक्वायर्ड सर्विस रिक्वायर्ड टू सर्विस द डेट, मतलब डेट चुकाने की औकात नहीं है तो इंटरेस्ट गिन गिन के उसके बॉन्ड दे देते हैं अपने। ऑफन बिकॉज ऑफ हायर लेवल्स ऑफ डेट फाइनेंस दीज बॉन्ड्स टिपिकली हैव हायर यील्ड्स बिकॉज ऑफ द लोअर परसीव्ड क्रेडिट क्वालिटी इम्प्लाइड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो शॉर्टफॉल्स और सिंपली बिकॉज ऑफ द हाई लीवरेज ऑफ द इश्यूइंग फर्म्स। मोर रिसेंटली ग्रीन बॉन्ड्स हैव बीन इश्यूड वेयर द कूपन पेड इंक्रीज इफ सर्टन एनवायरमेंटल गोल्स आर नॉट मेट बाय द इश्यूअर ओवर स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। ठीक है, तुम SRF हो, तुम केमिकल बना रहे हो, तुम्हारे कार्बन एमिशंस कितने होने चाहिए वो फिक्स्ड है, तुमने उससे ज्यादा कार्बन एमिट किए तो तुम्हें ज्यादा रेट कूपन देना पड़ेगा, राइट। एक सेकेंड, इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड हैज कूपन पेमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पब्लिश्ड इंडेक्स, राइट। सो प्रिंसिपल वैल्यू जो है, राइट, वो इंडेक्स के ऊपर होगी, तो मतलब मुझे लोगों को इंटरेस्ट का मतलब ज्यादा करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि भाई 1,000 का बॉन्ड 8% कूपन, ठीक है, और आज के दिन का जो निफ्टी है वो अपना रेफरेंस रेट, हर साल जो निफ्टी का जो रेट होगा, राइट, वो हो जाएगा तुम्हारा नया प्रिंसिपल, और उसके बेस पे तुम्हें उस साल का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। सो बेसिकली अगर निफ्टी 50% गिर गई तो मुझे 50% ही रीपे करने के होंगे, लेकिन लोग क्या सोच के बाय करेंगे कि निफ्टी बढ़ेगी 25-30%, तो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू भी 25-30% बढ़ जाएगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स, राइट। ऐसे बॉन्ड लाने के कब, जब मार्केट में भरपूर तेजी आ गई हो, तब लेके आने के, क्योंकि तब कोई भी यू नो 20,000 पे सब 40,000 की ही बात करते हैं, कोई 20,000 पे 15,000 की बात नहीं करता। इंडिया में भी है इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स, तो तुम्हारा आज का टास्क ये है कि इंडिया के इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स अभी क्या यील्ड दे रहे हैं वो स्टडी करना, राइट। इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स कॉल्ड लिंकर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड्स व्हिच इंक्रीज देयर कैश फ्लो इन लाइन विद स्पेसिफिक इन्फ्लेशन इंडेक्स सच एज CPI इन US
to protect the real value of cash flows promised to investors. सही है? So वो अपना cash flow बढ़ाएंगे inflation protection देने के लिए, right? लेकिन इंडिया में अलग अलग तरीके से ऑपरेट होता है, तो तुम एक बार देखना और फिर मुझे बताना क्या था. डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स इंक्लूड द फॉलोइंग. इंटरेस्ट इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, द कूपन रेट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन व्हाइल द प्रिंसिपल वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है, सो मेरा कूपन रेट जो है वो मैंने बोला कि इन्फ्लेशन प्लस 2%, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन चेंज होगा वैसे वैसे वो चेंज होता जाएगा. कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इन यूएस, दे कॉल इट टिप्स, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज. द कूपन रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द प्रिंसिपल वैल्यू इज इंक्रीज बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. सो इंडिया में भी ये होता है. 1000 का बॉन्ड है, आज मैंने इश्यू किया जब इंडिया का सीपीआई है 250, राइट? अब रीपेमेंट के टाइम पे सीपीआई 400 हो गया, तो 250 का 400 तो 1000 का कितना, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो अब 1600 की हो जाएगी. समझे? टिप्स इन्वेस्टर्स रिसीव्स द मैक्सिमम इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिंसिपल और द अनइंडेक्स्ड पार्ट पर अमाउंट एट मैच्योरिटी. કૂપન તો તારું એનું જ રહેશે પણ પ્રિન્સિપલ વધી જશે જયારે મેચ્યોરિટી ઉપર, રાઈટ? ટુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ કેપિટલ ઇન્ડેક્સ બોન્ડ્સ, કન્સિડર અ બોન્ડ વિથ પાર વેલ્યુ ઓફ 1000 એટ ઇશ્યુઅન્સ, અ 3% એન્યુઅલ કૂપન રેટ પેઇડ સેમી એન્યુઅલી and a provision that principal value will be adjusted for inflation. If 6 months after issuance, the reported inflation has been 1% over the period, the principal value of the bond is increased by 1000 plus 1%, matlab 1010. And now the coupon will be, 6 month coupon is calculated as 1.5% of 1010. So yahan pe coupon mein bhi impact aaya, right? टिप्स में कूपन में इंपैक्ट नहीं आ रहा है, कूपन तुम्हारा सेम ही रह रहा है, लेकिन यहां पे तुम्हारा कूपन भी बढ़ रहा है. समझ रहे हो ना? यस. विद दिस स्ट्रक्चर वी कैन व्यू द कूपन रेट ऑफ 3% एज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन विल नॉट डिक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ कूपन रेट एंड द प्रिंसिपल वैल्यू पेड एट मैच्योरिटी विल हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम परचेसिंग पावर as a $1,000 par value did at bond issuance. Thus, investors are fully protected against inflation over the life of the bond. Sahi hai? Zero coupon bond pata hai? 1000 ka bond hai, 700 mein issue hua. Maturity pe 1000 mil jayega. Right? Toh wo kya ho gaya? Zero coupon bond. Deferred coupon bond, a regular coupon payment do not begin until a specific time after issuance. बराबर? तो 5 साल के बाद कूपन पेमेंट चालू होगा, लेकिन 5 साल तक का जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमलेट होके प्रिंसिपल में एड हो जाएगा और उसके बेस पे कूपन पेमेंट चालू होगा, राइट? दैट इज डिफर्ड. दीज बॉन्ड्स कैन बी अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग फॉर इश्यूअर्स विद लो क्रेडिट रेटिंग और विद लार्ज प्रोजेक्ट दैट विल नॉट बी कंप्लीटेड and generate revenue for some period after bond issuance. Zero coupon bonds can be considered the most extreme type of deferred coupon bond, and like zero coupon bonds, deferred coupon bonds often trade below par to provide investors with yields they demand. થોડાક ટાઈમ સુધી એટલે તાય ના એટલે તું છું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની, તારું કામ છે કે ભાઈ બ્રિજ બનાવું અને પછી ટોલ કલેક્ટ કરું, તો બ્રિજ તો 4 વર્ષ પછી બનશે અને બોન્ડનું વ્યાજ અત્યારથી આપી દેવાનું એવું તને નથી પોસાય, એવું તો તું આવો ડિફર્ડ કૂપન બોન્ડ ચાલુ કરે કે જેમાં વ્યાજ બી 4 વર્ષ પછી આપવાનું ચાલુ કરે પણ પૈસા હાજર રહે. હા, યસ.
फिक्स्ड इनकम कंटिंजेंसी प्रोविजन. कंटिंजेंसी प्रोविजन इन अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट मे बी टेकन इफ एन इवेंट एक्चुअली अकर्स. कंटिंजेंसी प्रोविजन इज इन बॉन्ड इंडेंचर्स आर रिफर्ड टू एज एम्बेडेड ऑप्शंस. एम्बेडेड इन द सेंस दैट दे आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड आर नॉट अ सेपरेट सिक्योरिटी. सम एम्बेडेड ऑप्शंस आर एक्सरसाइजेबल एट द ऑप्शन ऑफ द इश्यूअर ऑफ बॉन्ड सो दे आर वैल्यूएबल टू द इश्यूअर. अदर्स आर एक्सरसाइजेबल एट द ऑप्शन ऑफ द परचेजर सो दे आर दे हैव नो वैल्यू टू द बॉन्ड होल्डर. सो दे हैव वैल्यू टू द बॉन्ड होल्डर. राइट, ऐसे तीन तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, कॉलेबल, पुटेबल एंड कन्वर्टेबल. राइट, बॉन्ड्स दैट डू नॉट हैव कंटिंजेंसी प्रोविजंस आर रिफर्ड टू एज स्ट्रेट बॉन्ड्स और ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स. ठीक है, ये वो वाला स्ट्रेट नहीं है. ठीक है, ओके. सो कॉलेबल, पुटेबल एंड कन्वर्टेबल. ठीक है, कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है, किसके पास राइट होता है, इश्यूअर के पास राइट होता है. बिफोर मैच्योरिटी अगर वो चाहे तो बॉन्ड को वापस खींच लेगा. राइट, शंकरलाल ये बाजू आओ तो जल्दी नैपकिन घुमाओ तो आँख के पास, कुछ आँख और कान के पास. एक नानी जीवात करेगा जो था फिर वो बारह रुपये को आँख के पास, आँख के ऊपर. कान के पास ले लो, ये बाजू के ले लो, बस चलो रख दो नैपकिन और हाथ के नीचे से खींचो. Callable bond gives the issuer the right but not the obligation to redeem all or part of the bond issued at a predetermined fixed rate. As an example of a call provision, consider a 6% 20-year bond issued at par on June 1, 2022, for which the indenture includes the following call schedule. The bond can be redeemed by the issuer at 102% after June 1, 2027. बराबर 5 साल के बाद अगर बॉन्ड को रिडीम करना है तो 100 रुपए का बॉन्ड 102 में रिडीम कर सकता है. राइट, द बॉन्ड कैन बी रिडीम्ड बाय इश्यूअर एट 101% ऑफ पार आफ्टर June 1, 2030. 8 साल के बाद रिडीम करेगा तो 1% एक्स्ट्रा देगा, बाकी 20 साल में तो रिडीम करना ही है उसको क्योंकि 20 साल बॉन्ड का लाइफ है. और 10 साल के बाद अगर रिडीम करना हो तो 100% पे ही रिडीम करेगा. बराबर, फॉर द 5-year पीरियड फ्रॉम द डेट अंटिल June 27 द बॉन्ड इज नॉट कॉलेबल. सो उसको बोला जाता है फॉर 5 years देर इज अ कॉल प्रोटेक्शन. राइट, फ्रॉम June 1 इट इज रिफर्ड टू एज द फर्स्ट कॉल डेट, द कॉल प्राइस इज 102. राइट, फिर सेकेंड कॉल डेट जो है वहां पे कॉल प्राइस है 101. तो ये चीज तो हमको पता है. कॉल ऑप्शन हैज वैल्यू टू द इश्यूअर बिकॉज इट गिव्स द इश्यूअर द राइट टू रिडीम द बॉन्ड अर्ली. एंड इश्यू अ न्यू बॉन्ड इफ द मार्केट यील्ड ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस. रेट अगर गिर गए तो मैं 2% ज्यादा देकर बॉन्ड को मार्केट से वापस खींच के नए सस्ते बॉन्ड इश्यू कर सकता हूं. दिस कुड अकर ईदर बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन जनरल हैव डिक्रीज्ड और बिकॉज द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड हैज इंक्रीज्ड. कंसिडर अ सिचुएशन वेयर द मार्केट यील्ड ऑन 6% 20-year बॉन्ड हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 6% एट द इश्यूएंस टू 4% ऑन June 1. इफ द बॉन्ड डिड नॉट हैव द कॉल ऑप्शन इट वुड ट्रेड एट अप्रोक्सीमेटली 1 to 24.
क्योंकि रेट गिर गया तो बॉन्ड का भाव शूट अप हो जाएगा, राइट। और कॉल प्राइस के कारण वो बॉन्ड कितने में कॉल बैक हो सकता है, सिर्फ 1020 में, 2% प्रीमियम पे, राइट। सो बेसिकली क्या हुआ, विद अ कॉल प्राइस ऑफ 102 द इश्यूअर कैन रिडीम द बॉन्ड एट 1020 एंड बोरो द अमाउंट एट करंट यील्ड ऑफ 4%, रिड्यूसिंग द एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम $60 टू 40.8। सही है, अभी मैं 1000 पे 6% दे रहा हूं, उसकी जगह मैं 1020 पे 4% दूंगा तो मेरा राइट, तो कॉलेबल बॉन्ड होंगे ना उसमें मार्केट वैल्यू जो है ना वो एक्चुअल रेट पे ट्रेड भी नहीं हो रही होगी, वो थोड़े डिस्काउंट पे ही ट्रेड हो रही होगी। ये डर से के साला अगर कॉल बैक हो गया तो पूरा का पूरा गेन हवा हो जाएगा, समझे। थोड़ा हायर हो, थोड़ा कॉलेबल हो, इन्वेस्टर होल्डिंग द कॉल ऑप्शंस क्रिएट कॉल रिस्क फॉर द बॉन्ड होल्डर्स, कॉल रिस्क रिलेट टू द फैक्ट दैट बॉन्ड होल्डर्स फेस एन अनसर्टेन रिडेम्पशन डेट फॉर अ बॉन्ड दैट इज इन द कॉल पीरियड, द कॉल प्राइस विल पुट एन अपर लिमिट ऑन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इन द मार्केट, ड्यू टू कॉल रिस्क द बॉन्ड होल्डर्स विल डिमांड अ हायर यील्ड। बराबर है तुम्हारा क्वेश्चन जसमीत, राइट, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो वो लोग हायर यील्ड भी डिमांड करेंगे, एंड विल पे अ लोअर प्राइस फॉर कॉलेबल बॉन्ड देन दे वुड फॉर एन अदरवाइज इक्विवेलेंट स्ट्रेट बॉन्ड, द डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन कॉलेबल बॉन्ड एंड अदरवाइज आइडेंटिकल नॉन कॉलेबल बॉन्ड इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। सही है, पुटेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड में किसके पास राइट होता है, इन्वेस्टर के पास, के मैच्योरिटी से पहले वो चाहे तो बॉन्ड वापस दे देगा। पुटेबल बॉन्ड गिव्स द बॉन्ड होल्डर द राइट टू सेल द बॉन्ड बैक टू द इश्यूइंग कंपनी एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस टिपिकली पार, बॉन्ड होल्डर्स आर लाइकली टू एक्सरसाइज सच एन ऑप्शन व्हेन द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज लेस देन द पुट प्राइस बिकॉज द इंटरेस्ट रेट रिस्क हैव रिजन और क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द इश्यूअर हैज फॉलन। तुमको पता है कि जब तुमने पैसा डाला था तब कंपनी रिलायंस थी मुकेश वाली, अब रिलायंस हो गई अनिल वाली, तो तुम चाहिए जाओगे कि भाई मेरा बॉन्ड पुटेबल हो ताकि मैं इसके बॉन्ड वापस दे के अपने पैसे निकाल दो। अनलाइक अ कॉलेबल बॉन्ड द एम्बेडेड ऑप्शन फॉर अ पुटेबल बॉन्ड हैज वैल्यू टू द बॉन्ड होल्डर्स बिकॉज द चॉइस ऑफ वेदर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इज इन द बॉन्ड होल्डर्स हैंड, फॉर दिस रीजन अ पुटेबल बॉन्ड विल सेल एट अ हायर प्राइस देन एन अदरवाइज इक्विवेलेंट स्ट्रेट बॉन्ड, द डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन एन अदरवाइज आइडेंटिकल स्ट्रेट बॉन्ड एंड अ पुटेबल बॉन्ड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन टू द बॉन्ड होल्डर। सही है, सो पुटेबल बॉन्ड जो है वो इन्वेस्टर उसके लिए प्रीमियम देगा, और प्रीमियम देगा इसीलिए वो वैल्यू ऑफ क्या हो गया, स्ट्रेट बॉन्ड और उसका डिफरेंस वो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन हो गया, और कॉलेबल बॉन्ड होगा वो डिस्काउंट पे लेगा तो जो डिस्काउंट है वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ कॉल हो गया, समझे ना। क्या हुआ, बोल रहे कारण के जयरे बॉन्ड इश्यू करियो ने त्यारे $1000 इश्यू करेलो अने बजार मा रेट 6% हतो एटले तारे 1000 ऊपर 6% एटले $60 नो इंटरेस्ट देवू पड़शे, पण जयरे बॉन्ड तू पाछो खेंचवानो छो बराबर त्यारे तू एने 2% प्रीमियम ऊपर रिडीम करीश, એટલે 1000 2% પ્રીમિયમ એટલે 20% પ્રીમિયમ થાય એટલે 1020 ઉપર તું રિડીમ કરીશ બરાબર, અને 1020 પર ઇફેક્ટિવલી તું નવા બોન્ડ ઇશ્યુ કરીને રિડીમ કરે તો તારે ખાલી 4% જ વ્યાજ આપવું પડશે, કારણ કે હવે બજારમાં વ્યાજ કેટલું થઈ ગયું 4%। યસ, ઠીક છે, કન્વર્ટેબલ બોન્ડ્સ દે ગિવ ધ બોન્ડ હોલ્ડર ધ ઓપ્શન ટુ એક્સચેન્જ ધ બોન્ડ ફોર અ સ્પેસિફિક નંબર ઓફ શેર્સ of the issuing corporation's common stock. This gives bondholders the opportunity to profit from increase in the value of common shares. Because the conversion option is valuable to bondholders, convertible bonds can be issued with higher price
and therefore lower yields, which is an advantage to the issuer compared to otherwise identical straight bonds. सही है? So put option वाले bonds ज्यादा भाव पे issue कर सकते हो, convertible bond को ज्यादा भाव पे issue कर सकते हो, क्योंकि लोगों को conversion के benefit का गाजर दिखता है, right? Some terms related to convertible bonds are conversion price. This is the par amount per share at which the bond may be converted to common stock. Conversion ratio. This is equal to the par value of the bond divided by the conversion price. If a bond with $1,000 par value is conversion price of 40, its conversion ratio is 25 shares per bond. Conversion value. This is the market value of the share that would be received upon conversion. Bond with a conversion ratio of 25 shares, when the current market price is 50, has a conversion value of 25 into 50, 1250. Sahi hai? Warrants. An alternative way to give bondholders an opportunity for additional returns when the firm's common shares increase in value is to attach warrant to straight bonds when they are issued. Right? तो सिर्फ bond issue मत करो, साथ में warrant भी दो. Right? Warrant में क्या होगा? कि ये $1,000 का bond है, इसके ऊपर 8% ब्याज तो मिलेगा, बराबर? इसके ऊपर तो मेरे को और $40 दे. Right? जब bond mature होगा, right? तो जो भी भाव होगा उस टाइम पे, बराबर? उस टाइम पे जो भी भाव होगा, राइट, मैं ये $1,000 पे तुझे वो शेयर दे दूंगा, राइट? तो तुमने $40 एक्स्ट्रा ले लिए और तुमने $1,000 में बॉन्ड तो शेयर देने का प्रॉमिस कर लिया, समझे? सो दिस इज अ वारंट. वारंट गिव द होल्डर्स द राइट टू बाय फर्म्स कॉमन शेयर्स एट अ फिक्स प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड. एन एग्जाम्पल वारंट, एज एन एग्जाम्पल, वारंट्स दैट गिव द होल्डर्स द राइट टू बाय शेयर्स for 40 will have value if the common shares value is above 40 before the warrant expires. ठीक है, तो अपने केस में अगर शेयर की वैल्यू 1000 के ऊपर है तो ही लोग ये इसको एक्सरसाइज करेंगे. वारंट्स कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम बॉन्ड एंड ट्रेडेड ऑन एन सिक्योरिटीज एक्सचेंज. अकेले वारंट का भी ट्रेडिंग हो सकता है. राइट, અને એ વોરંટ એને આપ્યો છે સપોઝ તે 50 રૂપિયામાં, બરાબર? તો એ 50 રૂપિયાનો વોરંટ બી અત્યારે ટ્રેડ થતો હોય કે 2000ના 10 વર્ષ પછી, રાઈટ, 10 વર્ષ પછી, સોરી, અત્યારે 2500 રૂપિયા છે. નો નો નો, એ ડિટેચ બી થઈને સિક્યોરિટી એક્સચેન્જમાં ટ્રેડ બી થાય, રાઈટ? એટલે તારો ટર્મ 10 યર્સ, બરાબર, અને પ્રીમિયમ તારું 50 રૂપિયા, રાઈટ, એ થયું ને? એટલે તું એવી સિક્યોરિટી કે જેની કરંટ પ્રાઇસ છે 2500, સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ છે 2000, બરાબર, અને ટર્મ છે 10 યર્સ, એના ઓપ્શનની વેલ્યુ કાઢી લે તો એ 50 રૂપિયાનો તારો જે વોરંટ છે એ ઓપ્શનની વેલ્યુ ઉપર ટ્રેડ થતો હશે. એટલે આ કેસમાં તો 500ની ઉપર, રાઈટ, કારણ કે 2500નો શેર તું 2000માં આપવાનો છો, એટલે 500+ ટાઈમ વેલ્યુ ઉપર ટ્રેડ થતો હશે, રાઈટ? પણ એવું હોય કે 2000નો શેર તું 2500માં આપવાનો છું તો પછી એનું વેલ્યુ કાઢ, અને એ વેલ્યુ જે છે એ તારા 50થી વધારે હોય તો તું તારો વોરંટ સેલ કરીને એમાં બી પ્રોફિટ કમાઈ શકે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વેઇટ ફોર ધ એન્ટાયર ટર્મ. વોરંટ એક કોન્ટ્રાક્ટ છે. યસ, વોરંટ છે. યસ. Contingent convertible bonds, COCOs, are bonds that convert from debt to common equity automatically if a specific event occurs. This type of bonds have been issued by some European banks. बराबर, तुम बैंक को लोन देके बैठे थे, सोचे थे पैसा वापस आएगा, बैंक ने तुम्हें शेयर कन्वर्ट करके दे दिए. क्यों? क्योंकि बैंक का टाइम खराब चल रहा है, राइट? तो तुम्हारी वाट लग गई कोको में, राइट? बैंक्स मस्ट मेंटेन स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग. If the bank's equity falls below the required level, ऐसा कब होगा जब loss बहुत तगड़ा होगा तो equity की वाट लग जाएगी,
right? They must somehow raise more equity financing to comply with regulations. COCOs are often structured so that if bank's equity capital falls below the given level, they are automatically converted to common stock. Barabar. This has the effect of decreasing the bank's debt liabilities and increasing its equity capital at the same time, which helps the bank to meet its minimum equity requirement. Okay. કન્વર્ટ થઈ જશે એ તને ખબર નહીં પડે. પેલું તો બોન્ડ છે એટલે તું ડેટનો ઇન્વેસ્ટર જ રહીશ, પણ આમાં તો તું ડેટમાંથી સીધો ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટર બની ગયો. હા, બેંક બંધ થઈ ગઈ તો પેમેન્ટ ઇન કાઇન્ડમાં પહેલા તને પેલા બોન્ડના પૈસા મળે. બોન્ડ્સ આર સબ્જેક્ટ ટુ ડિફરન્ટ લીગલ એન્ડ રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ ધેટ ડિપેન્ડ ઓન વેધર દે આર ઇશ્યુડ એન્ડ ટ્રેડેડ. બોન્ડ્સ ઓફ ઇશ્યુઅર્સ ડોમિસાઇલ્ડ ઇન ધ સેમ કન્ટ્રી એઝ ધ માર્કેટ in which bonds are issued are traded as domestic bonds. Kya hal chal? Bonds of issuers from countries other than the market in which bonds are traded are referred to as foreign bonds. For example, a UK company raising US dollar to expand their US operations by issuing bonds that trade in US is a foreign bond issuance. Samjhe? So, Coca-Cola India mein rupay ke bond issue karti hai. Barabar? To Coca-Cola ke liye foreign bond ho gaye. Original Coca-Cola America ke liye. Right? Samjhe na? Yes? Euro bonds are issued outside the jurisdiction of any one country and can be issued in any currency. These are subject to less regulations than domestic bonds in most jurisdictions and were initially introduced to avoid US regulations. Euro bonds should not be confused with bonds denominated in euros or thought to originate in Europe, although they can be both. Euro bonds got the euro name because they were first introduced in Europe and most are still traded by firms in European capital markets. Bond issued by a Chinese firm, denominated in Japanese yen and traded in markets outside Japan would fit into the definition of a euro bond. Barabar? So, US mein jaake tum dollar ki jagah rupee ke bond issue karte ho, Indian company. To wo kya ho gaya US mein? एक यूरो बॉन्ड हो गया, राइट? यूरो बॉन्ड्स दैट ट्रेड इन एट लीस्ट वन डोमेस्टिक मार्केट एंड इन द यूरो मार्केट आर रिफर्ड टू एज ग्लोबल बॉन्ड्स. यूरो बॉन्ड्स आर रिफर्ड टू बाय द करेंसी दे आर डिनोमिनेटेड इन. यूरो डॉलर बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स. यूरो येन बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन येन. बराबर है? એટલે હવે આ બી એ જ છે ને કે તું શું કર્યું તે યુરોપમાં જઈને જેપનીઝ યનમાં પૈસા રેઝ કર્યા, રાઈટ? તો એવું બી કઈ રીતે પોસિબલ થાય? એટલે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ કે એ લોકો જોડેથી આવું પોસિબલ થઈ શકે, રાઈટ? ફોરેન એક્સચેન્જ પડ્યું હોય એટલે આ તો રૂપી વાળું તો એક્ઝામ્પલ આપણને સમજ પડે, બાકી આવું કોઈ. યુરો બોન્ડ્સ આર રિફર્ડ ટુ બાય ધ કરન્સી દે આર ડિનોમિનેટેડ ઇન. Euro dollar bonds are denominated in USD. Euro yen bonds are denominated in yen. At one time, most euro bonds were issued in bearer bond form,
ownership of bearer bond was not officially recorded by the issuer. Hence, ownership was evidenced simply by possessing the bonds. So, कोई भी bearer word use होता है तो तुम possession से ही owner बन जाओगे भले नाम किसकी किसी का भी लिखा हो बराबर. Today euro bonds like most other bonds are registered bonds with record of ownership बराबर. Foreign bonds, global bonds and euro bonds that involve more than one currency are often collectively referred to as international bonds to distinguish them from domestic bonds which involve only a single currency. While domestic and international bonds are subject to varying laws and regulations in different jurisdictions and have different conventions related to coupon frequency and calculation methods, the factor that is likely to best describe difference in yields across different markets is the currency of the bonds, right? This is because the interest rates that determine the bond's yield will be driven by the market interest rate of the country in whose currency the bond is denominated. Barabar? So dollar ke bond issue kiye hai, toh dollar ke interest rates ke upar sari cheeze depend karegi. Sukuk bonds are Sharia compliant bonds with specific restrictions on the payment of interest and use the proceeds of the bond issue to comply with Islamic law. The periodic payment on the bonds are considered to be cash flows from rent on underlying asset, right? उनके अंदर interest हराम है, तो इसीलिए वो लोग rent के form में पैसा देते हैं, पर थाए तो ये, right? Okay. Taxation of bond income. Most often, the interest income paid to bondholders is taxed as ordinary income at the same rate as wage and salary income. The interest income from bonds issued by municipal government in US is most often exempt from national income tax and often from state income tax in the state of issue, right? So, US mein municipal bonds jo hota hai, uske upar tax nahi hota hai. India mein treasury bonds ke upar tax hota hai. Mikhen aake bol ke kya na, TDS nahi hota hai, tax to hota hi hai. Right? When a bondholder sells a coupon bond before maturity, it may be at a gain or a loss relative to the purchase price. Such gain and loss are considered capital gain, capital income. Capital gains are often taxed at lower rate than ordinary income. India mein capital gain tax 20% hai, aur ordinary income tax can be as high as 33-34%. Right? Capital gain on the sale of asset that has been owned for more than some minimum amount of time may be classified as long-term capital gains and tax at even lower rate. ये तो 10% है ना? हाँ, नहीं 20% ही है. ये भी 20? हाँ 20 है. Right? तो इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है लेकिन. फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स आया. Zero coupon bonds and other bonds sold at significant discount to par when issued are termed as OID bonds, original issue discount bonds. Because the gains over an OID bond's tenor as its price move towards par value are really interest income, these bonds can generate a tax liability even when no cash interest has been made. Right? 100 ki value 107 hui, lekin mere ko mili nahi hai. तो मुझे नोशनल 7 पे टैक्स भर देने का, राइट? इन मेनी टैक्स ज्यूरिसडिक्शन अ पोर्शन ऑफ द डिस्काउंट फ्रॉम पार एट इश्यूएंस इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम ईच ईयर. सच टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस प्रोवाइड अ सिमेट्रिक ट्रीटमेंट फॉर बॉन्ड्स इश्यूड एट प्रीमियम टू पार, अलाउइंग पार्ट ऑफ प्रीमियम्स टू बी यूज टू रिड्यूस द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कूपन इंटरेस्ट पेमेंट्स. सही है. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. चलो इसके फटाफट दो तीन एमसीक्यूज देख लो फटाफट. बलून पेमेंट में क्या होगा?
बलून पेमेंट में क्या होगा? ए पीरियोडिक पेमेंट कम होंगे ना, पहले सिर्फ ब्याज दे रहा हूं और लास्ट में प्रिंसिपल दूंगा, और फुल्ली अमोर्टाइजिंग में क्या होगा, हर एक सेम अमाउंट दूंगा, राइट? तो लोअर रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स एंड हायर फाइनल पेमेंट। फिर नेक्स्ट कूपन पेमेंट कूपन इंटरेस्ट रेग्युलर मळे छे ने प्रिंसिपल सीधो मेच्योरिटी ऊपर पाछो मळे छे, दैट इज नॉर्मल बॉन्ड व्हिच इज अ बलून पेमेंट। 100 रुपया नो बॉन्ड इश्यू कर्यो, 10 वर्ष नो बॉन्ड छे, 10 वर्ष सुधी 8 रुपया व्याज लीधो ने छेल्ला वर्षे 100 रुपया पाछा आया, तो ये तारू बलून स्ट्रक्चर थयो। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू डज एन इन्वेस्टर मोस्ट लाइकली फेस द रिस्क ऑफ रिडेम्पशन बिफोर मैच्योरिटी? फ्लोटिंग रेट में तो रिस्क ही नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम, सिंकिंग फंड में भी रिस्क नहीं होगा क्योंकि वो प्रिंसिपल बीच बीच में काटते जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिस्क कब आएगा? जब टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर होगा और इंटरेस्ट रेट अचानक गिर गए तो बोलेगा कि लाओ चलो पैसे वापस लाओ, राइट? बॉन्ड वापस दे दो। अ 10-year बॉन्ड पेज नो इंटरेस्ट फॉर 3 years, देन पेज 229.5 फॉलोड बाय पेमेंट ऑफ 35 सेमी एन्युअली फॉर 7 years एंड एन एडिशनल $1,000 एट मैच्योरिटी, राइट? सही है। Which of the following bond most हाँ सर सेकंड में सिंकिंग फंड नहीं आएगा क्योंकि उसमें रीइन्वेस्टमेंट का रिस्क रहता है, तो रिस्क ऑफ रिडेम्पशन बिफोर मैच्योरिटी। Which of the following features does an investor most likely face? सिंकिंग फंड में रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, हाँ क्रेडिट रिस्क, नहीं 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 रिस्क ऑफ रिडेम्पशन है ना, रिस्क ऑफ रिडेम्पशन बिफोर मैच्योरिटी। तो मेरे पैसे जो है वो तो सिंकिंग फंड में बीच बीच में रिडीम ही होते जा रहे हैं। हाँ बराबर है, बराबर है, क्योंकि सिंकिंग फंड में तो क्या है कि 5 साल के बाद हर साल मेरे पैसे तुम रिडीम करते देते जा रहे हो। टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट नहीं हुए तो पूरा का पूरा मैच्योरिटी तक बॉन्ड चल भी जाएगा, बराबर है, बी आएगा। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम प्राइस फॉर अ करंटली कॉलेबल बॉन्ड? डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम प्राइस फॉर अ करंटली कॉल प्राइस ही लग रहा है, पार वैल्यू तो नहीं, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स पार वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स पार वैल्यू कॉल प्राइस। इन्वेस्टर बाइज अ प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, होल्ड्स इट टू मैच्योरिटी एंड रिसीव्स इट्स पार वैल्यू। इन्वेस्टर बाइज अ प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, होल्ड्स इट टू मैच्योरिटी, रिसीव्स द पार वैल्यू। फॉर टैक्स पर्पस द इंक्रीज इन बॉन्ड्स वैल्यू इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। शंकरलाल अरे कॉर्फिन ने मिकिन ने कौन सा टॉपिक कराया लास्ट क्लास में? थर्सडे मारे लिक्विडिटी करावानू छे ने, ओके कारण के इफेक्टिवली तने जे पैसा मळी रह्या छे व्याजना पैसा मळी रह्या छे, કીધું ને 700 માં રોકીને 1000 માં રિડીમ કરીશ તો ઇફેક્ટિવલી તને જે મળ્યું શું મળ્યું એ તારું વ્યાજ મળ્યું, એના કોઈ કેપિટલ ગેન તો નથી, અને ટેક્સ એક્ઝેમ્પ્ટ ભી નહીં ના, ચલો ઇસકો નિકાલો।
ये यहाँ से निकाल के दूँ ना फिनिश भी कर दे।